इनलेट पाइप कनेक्ट रहना चाहिए और ड्रेन पाइप नीचे फ्लैट होना चाहिए, मशीन के अंदर कोई लोड नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने के बाद हमें सिक्स सेंस वाले को टच करके रखना है और स्टार्ट वाले बटन को 3 बार टच करना है। मशीन के ऊपर A08 लिख के आएगा, उसके बाद हम दोनों ही बटन को रिलीज कर देते हैं। अभी क्या है, मशीन मिक्स पे है, तो मिक्स पे होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना, मतलब 2-3 सेकंड इसको प्रेस करेंगे तो मशीन क्लॉकवाइज मूव करेगी। ये देखिए मशीन मूव कर रही है, ठीक। अब हमें नेक्स्ट स्टेप चेक करनी है, तो सिक्स सेंस वाले बटन को प्रेस करेंगे, वो मिक्स से हटके कॉटन पे आ जाएगा, फिर इसको प्रेस करके रखेंगे तो मशीन दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। तीसरी स्टेप पे जाने के लिए सिक्स सेंस बटन को प्रेस करके टच किया हमने इसको सिक्स सेंस को, और मशीन वूल वाले प्रोग्राम पे आ गई। अगेन हमें स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखा है मशीन के ऊपर, यहाँ जो ये आपके डिटर्जेंट वाले वो ड्रेन पंप है, ड्रेन पंप चलेगा और जो मशीन के अंदर पानी वगैरह कुछ होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। अगेन सिक्स सेंस बटन प्रेस करेंगे, डाउन पे आ गई मशीन, और स्टार्ट बटन प्रेस किया, मशीन में पानी आना स्टार्ट हो गया, मशीन में पानी आ रहा है, ठीक। तो इनलेट वाल्व ओपन हो चुका है। सिक्स सेंस बटन को प्रेस किया, मशीन किट्स पे आ चुकी है प्रोग्राम पे, और फिर से इसको प्रेस करके रखा। अब यहाँ पर इसमें जो ये डिटर्जेंट वाले वाल्व हैं, एक एक करके दोनों वाल्व ऑन होंगे। अगेन प्रोग्राम चेंज किया हमने, जीन्स पे आ गई, फिर से बटन को प्रेस करके रखा, सेकंड वाला वाल्व भी ऑपरेट हो गया। शर्ट पे आए, यहाँ पे 53C लिख के आ रहा, इस बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये मशीन प्रोग्राम को एंड करेगी। यानी कि यहाँ पर आकर भी अगर कोई मशीन में बीप या कोई एरर कोड नहीं आ रहा है, इट मीन्स इसका जो डेमो टेस्ट रन है वो कंप्लीट हो गया। अगेन जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो वापस से मिक्स पे आ जाएगी, तो मिक्स पे आने का मतलब है कि वापस से फिर से वही प्रोसेस चलने वाली है। तो अगर आपने दोबारा से रीचेक करना है तो आप फिर से उसको वही स्टेप कीजिए पहले की तरह, अदरवाइज मशीन को ऑफ कर दीजिए।